और कितना वक्त लगेगा? खाना बन गया? तुम्हें भूख लगी है? बस अभी हो जाएगा, अभी। नहीं नहीं, मैं खाना नहीं मांग रही हूँ। खाना बनने के बाद गर्म पानी कर देना, मेरा आज नाखूनों को साफ करने का दिन है। अरे परसों ही तो तुमने अपने नाखून काटे थे ना, अभी फिर? मेरे सजने सवरने के बारे में तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम से मतलब रखो, समझे? हाँ, वही तो कर रहा हूँ देवी जी। जाओ तुम जाके आराम करो, मैं इस काम से फ्री होते ही तुम्हारे लिए गर्म पानी बिठा देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे सारे कपड़े धो देना, तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक दिन से ज्यादा कपड़े नहीं पहनती। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ऊपर वाले, तुमने क्या सोचकर मेरी पत्नी को बनाया है? वो तो पूरा दिन अपना रूप सौंदर्य में ही लगी रहती है। मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, ये सब की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं रहता। ऊपर वाले, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी पत्नी को अच्छी बुद्धि दीजिए। ये क्या राजकुमारी, आप ये सुबह सुबह क्या कर रही हैं? दास दासी कहाँ हैं? दासियों की कोई जरूरत नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। अपना काम अपने हाथों से करने में मुझे बहुत सुख मिलता है पिताजी। अब तो तुम बस कुछ ही दिनों की मेहमान हो बेटी, फिर शादी करके तुम अपने ससुराल चले जाओगी और मैं अकेला हो जाऊंगा, और उसके बाद मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होगा। ससुराल जाने के बाद भी तो मैं आप ही की बेटी रहूंगी ना पिताजी, आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, मैं बीच बीच में आपके पास आकर रहा करूंगी पिताजी, मैं हूँ ना आपके लिए। बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तेरे जैसे बेटी ऊपर वाला सबको दे, जो हर घर को सुख समृद्ध कर दे, और जिस घर में भी जाए वहाँ भी खुशियाँ लेकर आए, मेरी प्यारी बेटी। माँ माँ माँ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे थोड़ा खाना निकाल के दीजिए। वो सब मुझसे नहीं होगा, जाके अपने पिताजी को बोलो। पिताजी तो काम कर रहे हैं। ऐसा कौन सा महान काम कर रहे हैं वो? अरे आपके ही तो कपड़े धो रहे हैं। अच्छा, कपड़ा धोना बहुत बड़ा काम है, और नहाने के बाद बाल बनाना कोई बड़ा काम नहीं। नहाने के बाद अगर मैं बाल ना बनाऊं तो मेरे बाल पूरे खराब हो जाएंगे और मैं चुड़ैलों जैसी दिखूंगी। अभी मुझे भूख लगी है माँ, मुझे खाना चाहिए। ए माँ माँ। नहीं नहीं, रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। आ जा, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। मैं देता हूँ ना बेटा, आ जा, मैं देता हूँ। हाँ आ जा। एक काम करो, इसके बाद मुझे भी खाना दे दो, अगर वक्त पर खाना नहीं खाया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मेरी सुंदरता पर इसका असर पड़ेगा। तुम्हारे रूप सौंदर्य के कारण हमारे एक लौते बेटे को भी भूखा रहना पड़ता है। क्या कभी ऐसी कोई माँ होती है जो अपने ही बेटे को भूखा रखे? तुम भी तो काम कर सकती हो। देखो, घर के ये सारे काम मुझसे नहीं होने वाले, ये तुम्हें पहले से मालूम था। आपके सामने अगर मैं खाना बनाऊंगी तो मेरा बदन जलने लगेगा, और झाड़ू मारूंगी तो धूल मिट्टी मेरी नाक के अंदर से मेरे बदन में चली जाएगी और मेरे रूप रंग का सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये सब घर का सारा काम मैं करूंगा, लेकिन अपने बेटे को तो खुद अपने हाथ से खाना दे सकती हो ना, बताओ। अगर मैं अपने बालों को ना सवार कर खाना निकालने जाऊं तो मेरे बाल पूरे खराब हो जाएंगे। माफ करो मुझे, मैं तुमसे कभी भी बात में जीत नहीं सकता हूं। तुम यहीं आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। नहीं, इस गंदी जमीन पर बैठकर अगर मैं खाना खाऊंगी तो कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरे लिए चटाई बिछाओ। सुनो, कल राजकुमारी के शुभ लग्न के मुहूर्त पर सभी ग्रामवासियों को राजसभा में भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। सभी लोग अपने परिवार के साथ राजसभा में पधारें, भरपेट खाना मिलेगा, सब आ जाएं, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सभी को निमंत्रण है। सुनो।
सुनती हो भाग्यवान, सुनती हो, कल राजकुमारी की शादी है। तो महाराज ने पूरे गांव वालों को कल दोपहर के खाने के लिए अपनी सभा में आमंत्रित किए हैं। क्या, ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मुझे सजना संवरना फिर से शुरू करना पड़ेगा। मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। ओहो, मैंने अपनी कंघी कहाँ रख दी है? सब कुछ ढूंढना होगा। अरे अरे अरे, निमंत्रण तो कल का है, तुम आज से ही तैयार होना शुरू कर दी। हाँ, मैं इस राज्य की सबसे सुंदर औरत हूँ और कल मैं राज्यसभा में खाना खाने जाऊंगी, तो सवरने के लिए वक्त तो चाहिए होगा ना मुझे। समझ में आई बात? अरे अब तो रात हो गया भाग्यवान, और कितना समय लगेगा? हाँ हाँ, बस हो ही गया। जरा बताओ तो कैसी लग रही हूँ मैं? बताओ बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब सो जाओ भाग्यवान। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। पता नहीं ऊपर वाले ने तुम्हें आंखें दी भी है या नहीं, तुम्हें मेरा इतना सुंदर रूप नहीं दिख रहा। अरे उठो ना। क्या हुआ? देखो ना, इतनी गर्मी हो रही है, पसीने से मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? रात को मेकअप करके सोओगी तो पसीना तो होगा ही। सुनो, रात में उठकर मुझे ज्ञान मत बांटो। जरा पंखा लेकर आओ और मुझे पंखा करो। आह, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सुनो, तुम रुकना मत, हवा करते रहो, समझे? मैं तब तक सो लेती हूँ। रात भर मुझे बहुत अच्छे से नींद आई है। अजी सुनते हो? उठ भी जाओ। पूरी रात नहीं सो पाया हूँ। पूरी रात मैं हवा करते करते मेरी नींद भी हवा हो गई। अब क्या बोलूँ मैं? अब जल्दी से नहा लो और अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहन लो। राज्यसभा में चलना है खाना खाने, तुम ऐसे गंदे कपड़ों में मत आना मेरे साथ। मैं भी जरा अच्छे से तैयार हो जाती हूँ। हाँ? है नहीं? हाँ। अरे आओ भाग्यवान, आओ। ज्यादा देर करोगी तो सब खाना खत्म हो जाएगा। ये देखो मैं आ गई। कैसी लग रही हूँ? अरे बाप रे, कितनी धूप और धूल है। मैं ऐसे में पैर रखूंगी तो मेरा पैर खराब हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसे गंदे पैरों के साथ राज्यसभा में नहीं जाऊंगी। तुम्हें कुछ उपाय करना होगा। तो फिर उपाय? उपाय निकालना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मुझे भी पता चला। और देखो ना, देखो तो जरा, कितना अहंकार है इसको अपनी सुंदरता पर। देखना देखना, ये रूप का जो अहंकार है ना, उससे उसका पूरा परिवार जल जाएगा। अपने रूप के अहंकार में आकर अपने पति और बच्चे को कितनी तकलीफ दे रही है ये। क्या जमाना आ गया है। कुछ समझ में आ रहा है जमाई राज? देखिए राजकुमारी को, एक राजकुमारी होने के बावजूद वो कितना सामान्य जीवन जीती है, ना रूप का अहंकार और ना ही गुणों का। यही गुण तो राजकुमारी के प्रति मुझे आकर्षित किया महाराज। देखो देखो, कैसे राजकुमारी अपने हाथों से इन लोगों को खाना खिला रही है। देखो, ध्यान से देखो। अरे ये क्या, कौन हो तुम लोग और इस तरह से राज्यसभा में प्रवेश करने का क्या मतलब है, बताओ मुझे।
अरे महाराज, हम आपके सामान्य प्रजाजन हैं महाराज, बस निमंत्रण पाके खाना खाने आए हैं। आपके राज्य में बहुत धूल मिट्टी है महाराज, अगर मैं चलकर आती तुम धूल के कारण मेरी सुंदरता खराब हो जाती। आपके राज्य में सूर्य का तेज भी बहुत है महाराज, इसलिए मुझे इस तरह आना पड़ा। माफ कीजिएगा महाराज, दरअसल मेरी पत्नी अपनी रूप सौंदर्य पे मोहित है, इसलिए मुझे अपनी सुंदरता पर चर्चा करना सही बात है, लेकिन उसके लिए दूसरों को तकलीफ देना ये सही बात नहीं है, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। हाँ महाराज, मैंने देखा है ये स्त्री दिन भर आराम करती रहती है, कुछ काम नहीं करती, और इसका सारा काम इसका पति ही करता है, पूरा काम। हाँ महाराज, मैंने भी कई बार देखा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये स्त्री सोती रहती है और आराम करती रहती है, और सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ इसका पति ही करता है, ये कुछ भी नहीं करती। छी 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 छी, अपने रूप पर इतना अहंकार, ये मैं कभी नहीं देख सकता, इसे तो मैं सजा अवश्य दूंगा। पिताजी, इतनी खुशी के मौके पर आप इस तरह नाराज मत होइए, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ और उन्हें समझाऊंगी। सुनो हे सुंदरी, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, रूप और गुण में मैं तुमसे किसी भी तरह कम नहीं, बल्कि तुमसे बहुत बेहतर हूँ, लेकिन इस बात को लेकर ना ही मुझे गर्व है और ना ही कोई अहंकार। तो फिर तुम में इतना अहंकार क्यों है? अगर सुंदर बनना है तो मन से सुंदर बनो, क्योंकि बाहर की सुंदरता तो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी, मगर मन की सुंदरता वो हमेशा रहेगी, इसलिए अपने मन को सुंदर बनाओ, वो जिंदगी भर साथ रहेगी। मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, अब मुझे हर बात समझ में आ गई है, मैं अपने रूप के अहंकार में अंधी हो गई थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी राजकुमारी, मैंने अपने पति और बेटे को भी बहुत तकलीफें दी है, पर मुझे अब एहसास हो गया है, मुझे लगता था कि मुझ जैसी सुंदरी इस राज्य में है ही नहीं, मैंने अपने पति को भी अपना नौकर बना कर रखा, पर अब मुझे एहसास हो गया है और मैं अपने पति से दोबारा शादी करना चाहती हूँ आज ही, ताकि हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। वाह 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 वाह, इस शुभ कार्य के लिए आज का दिन भी बहुत ही शुभ है, सभासदों शंखनाद करो, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ और हर्षोल्लास के साथ इनका ब्याह रचाओ।